बहुत बार ऐसा होता है, लड़की पहले तो तुम में बहुत दिलचस्पी दिखाती है, तुमसे बढ़िया बात करती है, फिर अचानक ऐसा कुछ होता है कि लड़कियां बेवजह तुम्हें इग्नोर करती है, तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, बहुत बार तो ऐसा होता है कि तुम्हें ब्लॉक भी कर देती है, तुम्हें साफ साफ बोलती है मुझे परेशान मत करना, तुम्हें समझ में नहीं आता सब तो ठीक चल रहा था अचानक से ऐसा कैसे हो गया। एक्चुअली लड़के जल्दबाजी करते हैं और अनजाने में ही ऐसी कुछ हरकतें कर बैठते हैं जिससे लड़कियां बहुत चिढ़ती है और तुम्हें बिना किसी रीजन बताए तुमसे दूर हो जाती है। वो ऐसे कुछ हरकतें होते हैं जो लड़कियां लड़कों को नहीं बता पाती। तो आज मैं तुम्हें ऐसे कुछ हरकतों के बारे में बोलने जा रहा हूँ जो रिलेशन स्टार्ट होने के बाद एक महीने तक नहीं करनी है। तो सबसे पहली चीज है एडल्ट कम्युनिकेशन। लड़के दो चार दिन के मुलाकात के बाद ही लड़की से एडल्ट कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं। देखो लड़कियों को एडल्ट बातें पसंद होते हैं, लेकिन वो सबसे एडल्ट बातें करती हुई नहीं फिरती। अगर तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो तो बात अलग है, लेकिन एक दो दिन के मुलाकात के बाद ही ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लड़की तुमसे बात करती है मतलब वो तुम्हारी बातें पसंद करती है, लेकिन वो तुम्हें ये भी नहीं कह पाती मुझसे एडल्ट बातें मत करो। लड़के जितने ओपनली सोचते हैं लड़की ऐसा नहीं सोचती, उन पर समाज का दबाव होता है, वो तुम्हें नहीं बताएगी मुझसे एडल्ट बातें मत करो। दूसरी चीज़ है सैडनेस की बातें करना। लड़कियों के लाइफ में पहले से ही बहुत सारे टेंशन होते हैं, वो पहले ही परेशान होते हैं अपने फैमिली और रिश्तेदारों से। लड़के पहले तो मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद औरत से सिंपति पाने के लिए दुख भरी कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई, मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, सच्चा प्यार ढूंढ रहा हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। ऐसी दुख भरी बातों से लड़की डिप्रेशन में चली जाती है। कुछ कुछ लड़के होते हैं जो रोकर लड़की को पाने की कोशिश करते हैं, वो बार बार लड़की को रोकर दिखाते हैं। लड़की ऐसे लड़कों से बहुत चिढ़ती है और वो ऐसे लड़कों से दूर हो जाती है। तीसरी चीज है बेमतलब की बातें करना। बहुत सारे लड़के लड़की से फ्रेंडशिप तो कर लेते हैं, वो पहले ही कुछ दिनों में अपने बारे में सब कुछ बता चुके होते हैं और उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। वो लड़की से रोज रोज एक ही सवाल पूछते रहते हैं, खाना हुआ क्या, क्या कर रही हो और बताओ प्लान क्या है। अरे भाई प्लान बनाना तुम्हारा काम है, पर तुम तो उससे पूछ रहे हो। तुम उम्मीद लगाए बैठे हो कि लड़की आगे से बातचीत शुरू करेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। लड़की चाहती है तुम उससे कुछ इंटरेस्टिंग बातें करो, पर तुम उससे वही घिसी पिटी बातें करते रहते हो। लड़की ऐसे सवालों से बोर हो जाती है और तुमसे दूर हो जाती है। चौथी चीज है पर्सनल बातें करना। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़के दोस्ती तो कर लेते हैं, लेकिन वो लड़की से ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिसका जवाब लड़की देना नहीं चाहती, जैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। लड़की से कभी ऐसे सवाल मत करो जिसमें लड़की के शौक के खिलाफ या उसके कैरेक्टर के खिलाफ कुछ हो और जिसका जवाब वो ना देना चाहती हो। याद रखना, अगर तुमने लड़की को सोचने का मौका दिया या तुम कुछ सोचने लगे तो लड़की तुमसे दूर हो जाएगी। तो उससे ऐसे सवाल ना पूछो जिसके लिए उसे सोचना पड़े। पांचवी चीज है लड़कियों को गंदी नज़र से देखना। लड़कियां गंदी नज़र को जल्दी पहचान लेती हैं, और जब तुम लड़कियों के शरीर के बारे में बात करते हो, लड़कियों को घूरते हो, यहाँ तक कि जब तुम लड़की से बार बार उसका फोटो मांगते हो तो भी वो बहुत चिढ़ती है। तो ये सारे हरकतें नहीं करनी है, नहीं तो लड़की तुमसे दूर हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कोई सवाल हो तो कमेंट करो, और यार सब्सक्राइब करो। प्राइवेट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, उसे प्लेबॉय, भैरव सिद्धि, काली सिद्धि जैसे बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, बहुत कुछ सीख पाओगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।